हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लेके आपके सामने है। और न्यूमेरिकल देखिए इस प्रकार से है कि एक वर्णी प्रकाश स्रोत की 5% ऊर्जा, जी हाँ 5% ऊर्जा 5600 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश में बदल जाती है। केवल 5% ऊर्जा 5600 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश में बदल जाती है। यदि स्रोत की सामर्थ्य, स्रोत की जो सामर्थ्य है वो 100 वाट है, तो उससे प्रकाश के कितने फोटॉन प्रति सेकंड उत्सर्जित होंगे? जी हाँ स्टूडेंट्स, इसमें भी फोटॉनों की संख्या पूछी है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कुल जो सामर्थ्य है वो 100 वाट है, लेकिन जो प्रकाश में बदल पाती है वो कितनी है? केवल 5% और जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है वो है 5600 एंगस्ट्रॉम। तो देखिएगा, फ्रॉम क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू 5600 एंगस्ट्रॉम, 5600 एंगस्ट्रॉम। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था यदि उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दे रखी है तो हम एक फोटॉन की ऊर्जा उससे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि एक फोटॉन की ऊर्जा का सूत्र होता है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। एच और सी क्रम से प्लैंक कांस्टेंट और लाइट वेलोसिटी है। तो देखिएगा, चूंकि एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10^-10 मीटर, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 5600 इंटू 10^-10 मीटर, या लैम्डा इक्वल टू 1, 2, 3, हम दशमलव लगा ले रहे हैं, 5.6 इंटू 10^-7 मीटर, इस तरीके से। अब देखिएगा, दो कांस्टेंट लिख ले रहे हैं जिनकी आवश्यकता होगी। हालांकि पहले स्रोत की सामर्थ्य दे रखी है, कुल शक्ति है 100 वाट। 100 वाट, वाट का मतलब जूल प्रति सेकंड। लेकिन शक्ति यूज कितनी होती है, प्रकाश में कितनी बदल पाती है? केवल 5%। तो शक्ति जो है वो है कुल शक्ति का 5%, और कुल शक्ति है 100 वाट, यानी कि 100 वाट का 5%। इसे हम ऐसे निकाल सकते हैं, 100 × 5/100, तो कुल मिला के ये 100 से 100 कैंसिल, 5 वाट। वाट को हम लिख सकते हैं जूल बटे सेकंड। अब देखिए, प्लैंक नियतांक H इक्वल टू 6.6 इंटू 10^-34 जूल सेकंड, प्रकाश की चाल C 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से अब हम निकाल सकते हैं तरंग दैर्ध्य हमारे पास है एक फोटॉन की ऊर्जा, तो एक फोटॉन की ऊर्जा E इक्वल टू होता है एच सी अपॉन लैम्डा से, तो E इक्वल टू हो जाएगा H यानी कि 6.6 इंटू 10^-34 इंटू 3 × 10^8 जूल। लैम्डा है आपका 5.6 इंटू 10^-7, इसको हम इस तरीके से करते हैं, ये 5.6 है, ये 6.6 है, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 66, और उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 इंटू 10^-34 है, और 10 की पावर प्लस का 8 है तो -26
इंटू 10^7 अपॉन 56। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 198 अपॉन 56 इंटू 10^-19 जूल। अब देखिए प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटॉन पूछे हैं, फोटॉन प्रति सेकेंड उत्सर्जित होंगे, कितने उत्सर्जित होंगे? तो प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या n इक्वल टू जो यूज होती है वो है 5 वाट, यानी कि इसको p लिख सकते हैं, इसको हम p यूज कर सकते हैं, ये e है, यानी कि शक्ति p बटे एक फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा और शक्ति है 5 वाट, 5 वाट, और वाट को लिख सकते हैं जूल बटे सेकेंड बटे 198 अपॉन 56 इंटू 10^-19 जूल। ये जूल से ये जूल कट जाएगा, प्रति सेकेंड बचेगा, ये 56 ऊपर आ जाएंगे, तो फोटानों की संख्या n इक्वल टू 5 × 56 अपॉन 198, 10^-19 नीचे है, ऊपर जाएगा 10^+19 प्रति सेकेंड। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5 × 6 = 30 और 5 × 25 और 3 = 28 280 बटे 198 इंटू 10^19। इसका जब इसमें भाग देंगे तो √2 गुना जाएगा, यानी 1.414 इंटू 10^19 प्रति सेकेंड। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका सवाल। सवाल ये था किसी एक बड़ी प्रकाश स्रोत की 5% ऊर्जा 5600 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश में बदल जाती है, कुल जो सामर्थ्य थी वो 100 वाट थी, तो प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले फोटानों की संख्या पूछी थी। तो सबसे पहले तरंग दैर्ध्य लिख ली 5600 एंगस्ट्रॉम, इसको पुराने तरीके से कैलकुलेट कर लिया, थोड़ा सा सही कर लिया, तो लैम्डा इक्वल टू 5.6 × 10^-7, कुल जो शक्ति है वो 100 वाट यानी कि जूल प्रति सेकेंड, जो यूज हुई शक्ति वो है कुल शक्ति का 5%, यानी कि 100 वाट का 5%, 5% का मतलब 100, देखिए प्रतिशत में का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का चिन्ह, तो 100 × 5/100, तो ये 100 से 100 कैंसिल, बचा क्या 5, यानी कि 5 जूल प्रति सेकेंड। ये हमने प्लैंक कांस्टेंट लिख लिया, ये प्रकाश की चाल लिख ली, एक फोटॉन की ऊर्जा इक्वल टू hc/λ से निकाल लेते हैं। हालांकि एक फोटॉन की ऊर्जा E बराबर होता है hν, चूंकि न्यू बराबर होता है c/λ, तो इक्वल टू हो जाता है hc/λ। इस तरीके से सबसे पॉपुलर सूत्र यही है, इसको कैलकुलेट किया तो 198/56 10^-19 जूल प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटॉन की संख्या n, यानी कि कुल शक्ति बटे एक फोटॉन की संख्या, शक्ति यानी कि जूल प्रति सेकेंड, तो 5 वाट बटे ये एक फोटॉन की ऊर्जा, ये लिख दी, उसको कैलकुलेट कर लिया, तो आया 1.414 × 10^19 प्रति सेकेंड फोटॉन उत्सर्जित होंगे। थैंक यू।